हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप। इस समय ना दोपहर के 1:20 से 1:25 से अंग्रेज बनने वाला है। ठीक है, अब मैं हूँ किचन में और कुछ बना रही हूँ। मैं प्याज लेके बैठी हूँ, देखो 2 प्याज 3 टमाटर अदरक और नीच को भी इसी टाइम ही आना होता है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी 2-3 प्याज लेके बैठी हूँ, 2-3 टमाटर अदरक लहसुन लेके बैठी हूँ और इन सबको काटना है मोटा मोटा। और ये देखो पनीर लगा के रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ। कल क्या था कि कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्यों नहीं। कढ़ाई रख दी मैंने, पानी डाल दिया इसमें थोड़ा सा, ये देखिए। और ना ये सारा कुछ कट गया मेरा, सब कुछ मोटा मोटा ही काटना था, प्याज टमाटर अदरक लहसुन। ठीक है, और ये मैंने वो भी काट लिए पनीर के टुकड़े भी। ठीक है, तब मैंने इसको उबालना है। ठीक है, इसको उबाल देना है जब तक ये उबलता है। 1 मिनट, हाँ इसको उबाल लेते हैं। जब तक ये उबलता है तब तक मैं धनिया काट लेती हूँ। ठीक है, धनिया काट के धो के इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, तो मैं काट लेती हूँ इसको। देखो 5-7 मिनट हो गए हैं, ये गल गया। मैं गैस बंद कर रही हूँ, मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया था काट के। अब ये सारा कुछ मिक्सी में मिक्स करना है। पर इसमें थोड़ा नमक भी डाला था मैंने, बहुत थोड़ा सा ही, बस आधे चम्मच से भी कम। ठीक है, तो डाला है। अब जो है ना बस इसको ठंडा होने देती हूँ, मैं गैस बंद कर रही हूँ, ठंडा होने देती हूँ। ये जो पनीर है इसको भी मैंने धो लिया है, मेरे को डाउट ही रहता है पता नहीं कैसे कैसे हाथ लग के आया होगा। पनीर धो के इसमें डाल लिया है। ये जो धनिया है ना, ये मेरा उसमें काम आएगा, लास्ट धनिया है, उसके बाद धनिया खत्म हो गया। तो ये जो धनिया ये मेरा उसमें आएगा, वो जो मैं बनाऊंगी नॉन उसमें डलेगा। ठीक है, तो ये गैस मैंने बंद कर दिए। जब तक ये ठंडा होता है हम लोग जो है उसका आटा बना लेते हैं, मतलब आटा गूंद लेते हैं उसके नॉन के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए इसमें ना काजू बादाम भी डलेंगे। ये देखिए थोड़े से लिए काजू, थोड़े से बादाम, और इनको धो लेती हूँ मैं भी। और इसको भी मिक्सी में साथ ही पीसना है। ये देखो इसको पानी डाल के धो लेते हैं। 2 मिनट पानी में डूबे रहेंगे, तब तक मैं ये जो ये जो है ना कढ़ाई में पड़ा है सारा कुछ, इसको मैं इसमें ट्रांसफर कर लेती हूँ इसके अंदर। ठीक है, फिर इसको मिक्सी में पीसेंगे, सारा आराम से इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। ये लीजिए हो रहा है ट्रांसफर। इसका पानी जो बहुत ही थोड़ा सा ही बचा है वो मैंने यूज कर ही लेना है, फेंकना तो है नहीं हमको, इसी में आ जाएगा। इतना थोड़ा पानी बचा ना, ये तो मतलब समझो कि 2-3 चम्मच ही पानी बचा है। तो ये तो मेरे को पीसने में ही लग जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको ना गाढ़ा नहीं बनाना, तो थोड़ा सा मीडियम ही रखना है। जैसे होता ना एक बेटा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। ठीक है, लो जी सारा डाल दिया मैंने, भी डाला था इसमें मैंने। ठीक है, अब सारा कुछ साथ ही पिस जाएगा 2 मिनट में। कढ़ाई हो गई खाली। ठीक है, इसी कढ़ाई को आगे यूज करना है मुझे बनाने में। ठीक है, तो अब हम जो है इसको पीस लेते हैं। का जो थोड़ा सा पानी बचा था 3-4 चम्मच, वो मैंने इसी में डाल दिया है। और अभी काजू बादाम भी तो डालने हैं। ये देखो पानी में डाले हुए, अब इसको धो लेते हैं। धो लिया, अब इसको डाल देते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे हाथ लग के चीज आती है, कुछ पता नहीं, धो ही लेना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है भाई, ठीक है, तो सारा कुछ साथ में डाल के अब मैं पीस लेती हूँ। ठीक है, चलो आज पहली बार बना रही हूँ। शाही से पहले मैंने ना खाई तो बहुत बार है ये सब्जी, ऐसी बात नहीं कि मैंने खाई नहीं है, बहुत खाई है मैंने। ये ऑफिस से कई बार लेकर आते थे शाही पर। वो तो गया, पर बहुत ज्यादा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, इसका ना बहुत गाढ़ा है, ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं तो सही रहेगा। थोड़ा सा और डाला है मैंने पानी, एक बार और।
लेकर आती हूँ इधर, ये मेरा ना चार्जर है, मैं इधर लगा के रखती हूँ, ये लगा देती हूँ, नहीं तो इधर उधर मिसप्लेस हो जाएगा सारे क्या। ठीक है चलो अभी उठेंगे ना तो बढ़िया सा खाएंगे, कुछ तो अच्छा लगेगा इनको भी। लो जी मैं लेकर आ गई। चलो अब हम जो है हमने क्या करना है, कढ़ाई रखनी है दोबारा गैस के ऊपर, है ना, इसमें गैस पे रख दी। इसमें अब डालेंगे हम थोड़ा सा घी, पर इसे थोड़ा सा सूखने देते हैं, हल्का सा इसमें मॉइस्चर होगा, थोड़ा सा इसको सूखने देते हैं, तब तक कुछ कर लेते हैं। ये रख लेती हूँ इसका ढक्कन पास में, ठीक है, तब तक ये सूखेगी। फिर हम जो है इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, ये रखो घी डाल रही हूँ मैं, 2-3 चम्मच घी डालेंगे हम, ज़्यादा तो डालते ही नहीं है, आपको पता ही है। ये लो घी डल गया, ठीक है। अब इसमें हम डाल, इसमें जो है ना हम थोड़े से मसाले डाल लेते हैं, मेरे पास हैं खड़े मसाले, कांगड़े ये रहे खड़े मसाले, इसमें थोड़ी सी इलायची और वो डाल लेती हूँ मैं, 2-3 लौंग खुशबू डालनी चाहिए ना, ये लो 1-2-3 लौंग गए, 1-2 इलायची डाल देती हूँ, थोड़ी खुशबू आएगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है टटक रही है जब तक, ये लो मैंने इसके दाने निकाल के डाल दिए इलायची के, और वो छिलका भी डाल दिया, चलो बाद में निकल जाएगा वो तो। चलो इलायची और ये डल गया है, थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ इसमें जीरा डालना है, पर आपके पास शाही जीरा हो तो वो डाल देना, मेरे पास शाही जीरा है तो था, नहीं काला जीरा अलग होता है, नॉर्मल जीरा अलग होता है, शाही जीरा अलग होता है, पर मेरे पास नॉर्मल जीरा ही है, नॉर्मल जीरा में मैंने काला जीरा मिला के रखा हुआ है। ये लो जीरा भी गया है इसके अंदर, ठीक है। इसमें जो है ना हम थोड़ा सा नमक मिर्च डाल लेते हैं, ठीक है, नमक डाल देती हूँ थोड़ा सा, जितना मतलब कि चाहिए हमें, पहले भी डाला था इसलिए थोड़ा ध्यान से डालना है। और मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, शाही पनीर का मसाला भी आता है बाजार में, थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है, सारे मसाले मतलब मैंने डाल दिए, ये हल्दी भी डाल दी, ठीक है। अब ये सब कुछ डल गया है, किचन किंग मसाला डाल देती हूँ और नहीं तो, है ना भाई, अगर मेरे पास शाही पनीर मसाला नहीं है तो हम लोग किचन किंग से काम चला लेते हैं, ठीक है। तो ये भी डल गया, हमें ना इसको इसमें पनीर को डाल के भूनना है हमको, तो पनीर डाल दी इसमें, थोड़ा सा भूनना है इसको अच्छे से, अच्छे सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाए, डाल दिया मैंने सारा पनीर, ठीक है, थोड़ा सा भून लेते हैं इसको, मसाले इसके साथ अच्छे से लग गए, थोड़ा सा इसमें क्रंची बना लें, ठीक है। थोड़ा पानी डाल देती हूँ क्योंकि ना नीचे लग जाएगा, नहीं तो पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा पानी क्योंकि मसाला नीचे लग गया तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। ये लो इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, अब हम सारा वो जो हमने डाला था ना गैस तेज कर दी, हाँ ये डालते हैं सारा जो हमने बनाया है, ये वाला ये डालते हैं, अभी डाल के आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ऐड कर लिया मैंने सब कुछ, ये सारे सब कुछ मिक्स है, इसको अच्छे से बॉइल दे लगाना हमको, कई लोग इसमें थोड़ा खोया भी डाल लेते हैं, तो मेरे पास तो है नहीं, उसकी जगह पे मैं सोची थोड़ा दूध डाल लेती हूँ, ठीक है डालूंगी, पर अभी पहले इसको इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये मसाला लगा हुआ है ना इसका, ये देखो घुमा के इसमें ऐड कर लेते हैं, ये लो ये काम भी ख़त्म, ये चला गया धोने के लिए, ये बर्तन साफ के साथ धोने के लिए चले जाए तो अच्छे रहते हैं, ये मैं साफ के साथ धो धो के रखती रहती हूँ, ठीक है। इसको हिला रही मैं, अभी एक बार इसका उबाल आएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध भी डालूंगी, थोड़ा सा और इसमें आप क्रीम भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं, पता नहीं मेरे पास मलाई होगी नहीं, देखती हूँ मैं जब तक इसका उबाल आता है, मैं ज़रा ढूंढती हूँ मलाई मिल जाती, क्या होता है ना ये सोयाबीन वाला दूध लेकर आते हैं उसमें मलाई नहीं आती, एक चक्कर थोड़ी बार मैं फिर भी पतीला निकाल के चेक कर लेती हूँ मलाई है कि नहीं, और मैं मलाई होगी तो मलाई डाल दूंगी, नहीं तो थोड़ा सा दूध डाल दूंगी, ठीक है। तो चलो अभी एक मिनट, ये मेरी बन रही है
मैंने इसका टेस्ट करके देख लिया है, टेस्ट बहुत सही आया है। थोड़ा सा नमक कम लग रहा है और मैं लास्ट में ना मिर्च डालने भूल गई, तो इसमें डालनी है शाही लाल वो वाली, वो जो रेड कलर की वो कश्मीरी मिर्च वो डालनी है, वो मैं भूल गई डालना, वो मुझे मसाले में डालनी थी ध्यान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, अब डाल देते हैं, मिर्ची तो है, चलो डल गई मेरी मिर्च। और थोड़ा मैं दूध भी डालूंगी, एक मिनट पहले इसको मिक्स कर लेते हैं भाई। मैं ना थोड़ा सोची मेरे को मलाई तो मिली नहीं, तो मैं दूध ही डाल लेती हूँ। देखे कलर कितना अच्छा है उसके, काजू और बादाम की वजह से, और धनिया भी पीस के डाला और मसाले भी डाले, मतलब वो भी डाले खड़े मसाले भी डाले। मैं दूध डाल रही हूँ थोड़ा और बढ़िया बनाने के लिए, इसको थोड़ा सा दूध डाल देते हैं। चलो डाल दिया, इसको हिला लेती हूँ, बस उबाला दबाना है। ये देखिए कलर चेंज हो गया इसका, वाइट वाइट हो गया। अब क्या करें, जब खोया भी नहीं है, मलाई भी नहीं है, ठीक है ना, बस इसको एक बॉयल डलवाना है। थोड़ा सा नमक डालना है, वो डाल लेती हूँ मैं, मिर्च तो डल गई। चलो ठीक है, देखो कैसा कलर आया, आया ना अच्छा कलर। थोड़ा सा मैं नमक डाल ही लेती हूँ क्योंकि कम नहीं रहना चाहिए, डल गया नमक भी, ठीक है। बस अब इसको बॉयल डला के मैं एक बार दोबारा टेस्ट करूँगी, और उसके बाद अब तैयारी हो रही है नॉन बनाने की। नॉन का मुझे डो बनाना है, अभी बनाती हूँ मैं, ठीक है। हिला लिया मैंने इसको, चलो अब नॉन का डो की तैयारी करते हैं, ठीक है। बस अच्छे से उबाला आ गया है, देखिए, ठीक है। मैं गैस बंद कर रही हूँ, मैंने टेस्ट करके देख लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी तरी नहीं मेरी बनी है, ग्रेवी ठीक ठाक बन गई है, क्योंकि रोटी के साथ खानी है ना, ठीक है। ये देखिए पनीर बेचारे कम दिख रहे हैं, तरी ज़्यादा दिख रही है, पर कोई बात नहीं, रोटी के साथ तरी अच्छी लगती है, अभी पड़ी पड़ी भी थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो गैस बंद, काम ख़त्म।